कैसी हूँ आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज बनाने जा रही हूँ पुलाव, जो वेजिटेबल पुलाव रहता है ना, वो बना रही हूँ। ये बना रही हूँ मैं रात के डिनर में। और अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना। तो ये रात के डिनर में बना रही हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तेल गरम किया है और उसमें मैंने काजू को फ्राई करके निकाल लिया है। और फिर इसमें मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी और खसखस और काली मिर्च और लौंग, इलायची, ये सब जितने भी सूखे मसाले रहते हैं ना, उनको मैंने डाल दिया है। और उसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें प्याज को छोड़ दिया है और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर इसमें मैंने छोड़ दिया है टमाटर को, जो मैंने काट के रखे हुए थे, अच्छे से भूनेंगे जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाए। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा गलने लगे हैं, तो अब मैं इसमें मसालों को छोड़ दूंगी। तो मसालों में सबसे पहले मैंने छोड़ दिया है हल्दी को और धनिया पाउडर को और लाल मिर्च पाउडर को, ये सब तीनों मसालों को मैंने डाल दिया है इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, क्योंकि नमक के डालने से ना मसाले जल्दी भी भूनते हैं और जो टमाटर वगैरह रहते हैं वो जल्दी गल भी जाते हैं। तो अब इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये मैं अभी डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ मैं पाव भाजी मसाला। इसको डालने से ना पुलाव वगैरह में किसी चीज़ में भी डाल दो ना, तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसमें छोड़ दिया है पाव भाजी मसाला। और सब चीज़ को अच्छे से मैं भून लूँगी मसालों को, कम से कम 2 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ देना तब तक। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला। वो सारे मसाले मेरे देखो अच्छे से भुन गए हैं और तेल भी छोड़ दिया है। और अब मैंने इसमें छोड़ दिया है गोभी, जो मैंने काट के रखा हुआ था। और गोभी छोड़ने के बाद मैंने इसमें डाल दी है मटर, जो छील के रखी हुई थी, और आलू, और जो काजू मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। और इन सब वेजिटेबल्स को ना मैं अच्छे से मसालों में भूनूंगी। और अब मैंने इसमें डाल दी है सोयाबीन, जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी, पानी भिगोने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया था तेल में, वो मैंने डाल दी है। तो सब मसालों के साथ में मैंने सारी वेजिटेबल को अच्छे से भूनूंगी, इसको कम से कम 2 मिनट तक तो भूनूंगी। तो सब्जियां अच्छे से भून चुकी हैं और मैंने जो चावल धो के रखे हुए थे पानी में भिगोए थे थोड़ी देर पहले, तो अब उन चावलों को मैंने इसमें डाल दिया है। चावल के साथ में सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, ताकि ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे ना तो पूरे चावल गल जाएंगे अच्छे से, पूरा छलके छलके से नहीं बनेंगे, इसलिए पानी को कम डालें। और चावल को अच्छे से पूरा छलके छलके बनाने के लिए ना मैंने इसमें आधे नींबू को निचोड़ दिया है, ताकि चावल पूरा एक एक हो जाए। और घी डाल रही हूँ मैं इसमें, ताकि चावल में थोड़ा टेस्ट आ जाए और खिले खिले से बने। मैं ये घी डाल रही हूँ, ये वही वाला घी है जो मैंने उस दिन मलाई से निकाला हुआ था ना, तो आज इसका नंबर आया निकालने का, क्योंकि पहले का ही घी नहीं ख़त्म हुआ था, तो मैंने आज ये वाला घी निकाल के इसमें डाला है। और ये मैं बना रही हूँ रायता, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये दही था जिसमें मैंने प्याज और टमाटर को चॉपर से चॉप किया और दही में पानी नहीं डाला, दही में ही इसको अच्छे से चला लिया है। और इसमें जो मैंने हींग जीरा तवा पे भुना हुआ था वो मैंने पट्टे पे अच्छे से पीस के इसमें डाल दिया है, और नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये हो गया है मेरा रायता, खीरा और प्याज का और टमाटर का। तो देखो चावल मेरे बन चुके हैं, देखो पूरा खिले खिले बने हुए हैं। और मैंने इसमें डाल दिया है अभी कटी हुई धनिया। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए, ये रात का खाना है, हल्का ही बनाया है, ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था आज इसलिए, और सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी थोड़ी शेयर कर दूं। घर में जो भी सब्जियां थी बस मैंने वही डाली हैं, आप लोगों के पास जो भी सब्जी हो आप वो डाल सकते हैं। चलो गाइस वीडियो का एंड करती हूं और मिलती हूं एक अच्छे से ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड नाइट, बाय गाइस, टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।